हाई विचारी वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर द इंटरव्यू ये आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टफ़र सिल्वेस्टर जो कि इसके ऑथर हैं उन्होंने यू नो इंटरव्यूज़ के बारे में बताया है ये चैप्टर एक एक्सॉप्ट होगा उनकी किताब जिसके अंदर वो इंटरव्यूज के बारे में बात करते हैं उसका तो एक हिस्सा है सिर्फ उनकी किताब का जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं इंटरव्यूज के बारे में इस चैप्टर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है पार्ट नंबर वन जहाँ पर वो इंटरव्यूज के बारे में इन जनरल बात करते हैं वो बताते हैं किस तरीके से लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं हाँ बेशक यहाँ पर जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनका ओपिनियन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इंटरव्यू को लेकर ऑन द अदर हैंड जो लोग इंटरव्यूअर्स हैं दैट मीन्स जो लोगों से सवाल पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है टू सम एक्सटेंड इसके बारे में हमें पता चलता है उसके बाद में हम पार्ट टू में एक इंटरव्यू को भी पढ़ते हैं जो कि बोटो इको का इंटरव्यू है जिसे मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था द हिंदू से तो हम ये दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं द इंटरव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और अगर हम दो पार्ट्स की बात करते हैं तो पहले पार्ट के अंदर हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं इन जनरल वेयर इज द पेन ओके तो अब यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं इन जनरल तो देखो सबसे पहले हमें बताया जाता है अच्छा सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने दिमाग के अंदर इंटरव्यू वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है अब देखो यार हम लोगों ने इतने पुराने इंटरव्यूज तो देखे नहीं है तो जब हम लोग इंटरव्यू वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अभी नो जो लोग पॉडकास्ट करते हैं यू you नो know, उसमें वो दो तरीके से पॉडकास्ट कर लेते हैं एक एकदम ऑडियो फॉर्म के अंदर आपको वेरियस ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलता है हैंड एक ऑडियो विजुअल फॉर्म में आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है तो वो वाला इंटरव्यू जो है वो हमारे लिए एक इंटरव्यू होता है अदरवाइज़ हम लोगों ने इंटरव्यू यूजुअली यू नो न्यूज़ चैनल्स पे देखे हैं जहाँ पर वेरियस uh, सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू किया जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे टॉक शोज भी हुआ करते थे uh, पुराने ज़माने में जिसमें हम लोग इंटरव्यूज़ देखा करते थे अब उतने पुराने तो आप नेचुरली नहीं हो बट uh, यहाँ पर ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि आपका आइडिया इंटरव्यू का यही है ये इंटरव्यू जो है ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है ना कि इस पे यू uh, नो you know, हम लोग सब जो है uh, अलग ओपिनियन रखते हैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू इतनी बड़ी बात नहीं होगी मतलब आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू जानना क्योंकि आपकी uh, अभी अगर हम लोग देखें हमारी लाइफ जो अब हो चुकी है उसके अंदर जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक्चुअली अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं ऑफ स्क्रीन भी मतलब ऑन स्क्रीन अगर हम लोग देखते हैं तो वो बिल्कुल एक्ट करते हैं परफॉर्म करते हैं बट देन एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चल रहा है कि ऑफ स्क्रीन उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है हम लोगों को आजकल कितने सारे एक्टर्स हैं कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब चैनल है, है जहाँ पर वो अपनी लाइफ को शेयर करते हैं नहीं तो हम लोगों को एनी anyway वे उनके लाइफ के अच्छे खासे इनसाइट्स मिल जाते हैं और इसी वजह से इंटरव्यूज इतने इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में रखते नहीं है हावेवर अगर हम बात करते हैं एक टाइम की जब इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे क्योंकि लोगों के पास में इंस्टाग्राम जैसा सोर्स नहीं था जहाँ से वो एक्चुअली यू नो लोगों के इंटरव्यूज पढ़ सकते थे इंस्टाग्राम से याद है आप मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप चाहो तो एनी anyway. तो अभी यहाँ पर लोगों के पास वो सब नहीं था एंड दैट इज़ वाई लोगों के लिए इंटरव्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे ये इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट मेरे जमाने का नहीं है तो प्लीज़ हाँ अभी मुझे पता है कि एच डी आर्मी मेरा ज़माना मेरा ज़माना करने लग जाएगी मैं आत्मा राम तुकार भीड़े के ज़माने की नहीं हूँ ठीक है इंटरव्यू उससे भी पुराने ज़माने का है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 130 साल पहले आया था और तब से आप इसके बारे में सुनी रहे होंगे तो अभी यहाँ पर ऑथर जो है ऑथर शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से टल ओवर एक सौ तीस बस कुछ एक सौ तीस साल पहले इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट आया था एंड देन उसके बाद में मेरे ख्याल से इंटरव्यू और जर्नलिज्म को सिनोनिमसली यूज़ किया जा रहा है मतलब यूरो जर्नलिज्म बोले तो इंटरव्यू इंटरव्यू बोले तो जर्नलिज्म आप देखते हो आपने कितने लोगों सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे यार कितने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़े होंगे आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा ओवर द इयर्स कि किस तरीके से उनकी लाइफ है एंड कुछ सेलिब्रिटीज को तो बहुत बार इंटरव्यूज़ देते हुए देखा होगा पहले इंटरव्यूज़ इतने कॉमन नहीं होते थे और इसीलिए अगर कोई एक सेलिब्रिटी कहीं पर भी राज़ी हो जाता था इंटरव्यू देने के लिए वो ऑलमोस्ट एक ही इंटरव्यू था जहां पर हम लोगों को सेलिब्रिटीज को उनकी लाइफ डिस्कस करते हुए देखते थे तो बार बार किसी सेलिब्रिटी को देखना वॉज अ बिग थिंग तो पर फिर भी आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बार बार डिस्कस करते हुए भी, भी देखा होगा आप देखते हो कि कहीं ना कहीं ओपिनियंस जो है वो हर एक इंसान की है इंटरव्यू को लेकर उसके इम्पोर्टेंस को लेकर उसके फंक्शंस को मेथड्स मेरिट्स को लेकर अगर हम लो कुछ लोग कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोगों का इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव ओपिनियन है और वो पॉजिटिव ओपिनियन ये है कि कहीं ना कहीं ये एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है ये एक सच्चाई का सोर्स है एक वे है जिससे आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आइडल या जिनकी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है तो इट्स अ सोर्स ऑफ ट्रूथ बहुत सारे लोगों के लिए ये है तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि एक सच्चाई को निकालने का वे है एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि ये जो है ये एक आर्ट है कला है कला तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव ओपिनियन जरूर देखने को मिलता है बट एट द सेम टाइम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ये लगता है कि ये जो इंटरव्यू है ये इंटरव्यू विक्टिम बना रहा है उन्हें उन पर अत्याचार हो रहे हैं इंटरव्यूज से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव ओपिनियन एक नेगेटिव ओपिनियन यहाँ पर है लोगों को तो बिल्कुल मतलब बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इनफैक्ट वो इंटरव्यू को अन इंट्रूजन भी बोलते हैं दैट मीन्स बिना बात किए बिना कुछ बताए दखल अंदाजी करना अनवॉरटेड मतलब जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था इंट्रूड करना दखल अंदाजी करना तो किस तरीके से इंटरव्यू और कुछ नहीं उनकी प्राइवेट लाइफ में एक दखल अंदाजी है ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपने बारे में किसी और को बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना सोल उसे दे, दे देंगे इट्स लाइक like आप ये मेरे ख्याल से ये बात बहुत सच भी है इट्स लाइक like आप अगर हम पब्लिक की बात करते हैं ना तो जैसे मान लीजिए अगर पब्लिक के अंदर कोई बात आती है जब हम पब्लिक को कोई बात बताते हैं तो अब ना वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ है एंड पब्लिक उसे जैसे चाहे उसे मोल्ड कर सकता है ओहो क्या हो रहा है आपको फ़ोन की आवाज़ आ रही है के पीछे एक मिनट देना मुझे हाँ जी तो आप देखेंगे कि हाँ तो अभी एकदम से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सोर्स होता है जहां पर लोगों लोगों को लगता है कि ट्रूथ का पता चलता है बट जन जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि उसका सोल निकल कर आ जाता है क्योंकि यू you नो know, इट्स लाइक वो कुछ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ एंड उनको नहीं पता है कि वो लोग उसे कैसे परसीव करेंगे राइट Uh, अब आप हमेशा वैसे नहीं रहोगे मतलब आफ्टर आपने इंटरव्यू दे दिया अब आप वो नहीं रहोगे जो आप इंटरव्यू देने से पहले थे ऐसा एक ट्रेडिशनल अप्रोच है इसे लेकर एनी anyway, वे अब इसके बाद में एक एक करके यू नो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर यहाँ पर कुछ एक लोगों की राय हमारे सामने रखते हैं इंटरव्यू को लेकर तो इस इसमें सबसे पहली राय उन्होंने ली है वी एस नाइपोल की जो कि एक नावलिस्ट है एक जर्नलिस्ट है उनके अकॉर्डिंग तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं इट्स लाइक लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं बिकॉज़ ऐसा होता है यार आई I मीन mean, आप खुद भी इमेजिन करो मतलब आई फील कि हम लोग ना जब किसी का इंटरव्यू देखते भी है तो हम बहुत ही इजीली जजमेंट पास कर लेते हैं नहीं ऐसा होता है ना कि हम किसी का इंटरव्यू देखते हैं या इतने सारे जो पेपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो सेलिब्रिटीज़ को यू you नो know, शूट कर रहे होते हैं हम लोग कितना ईजिली एक ओपिनियन दे देते हैं ओहो देखो इसमें कितना एटीट्यूड है ओहो ये देखो कितनी डाउन टू अर्थ है कितना डाउन टू अर्थ है हम लोग बहुत ही क्विकली अपना एक ओपिनियन जो है वो वहाँ पर शेयर कर देते हैं पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होता मतलब ये लोग भी तो इंसान है मतलब हम लोग भी कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं यू नो you know, आपको हर जगह कैमरा फॉलो कर रहा है माइक फॉलो कर रहा है हाँ जी आप क्या कहना चाहते हैं आलिया भट्ट के बेटी हुई है अरे मैं क्या बताऊ आलिया भट्ट के बेटी हुई है तो मैं क्या कहूँ आई एम सो सॉरी बट दिस इज सब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है अभी पैप्स सर गोइंग मैड ओवर इट हर जगह बस ये क्वेश्चन तो यू नो इट्स लाइक कितना ज्यादा अजीब लगता है जब हम लोग इस तरीके से जा रहे होते हैं एंड लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं यहां पर सिर्फ इतनी बात नहीं है पीपल आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बहुत बार आप अपने आप को काम डाउन करते हो आंसर नहीं करते हो क्योंकि आप पब्लिक के सामने एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हो और बहुत बार आप अपना काम लूज कर देते हो एंड जब आप वो करते हो और वो लोग कैप्चर कर लेते हैं इट्स ऑलमोस्ट ऑफ यू नो योर इमेज जो पब्लिक के सामने है तो कितना ज्यादा आपको कंट्रोल वहां करना रह रहा होता है और आपको किस तरीके से आपके ऊपर क्वेश्चंस की बारिश की जाती है दैट कोई भी इंसान जिसका इंटरव्यू किया जाता है वो ऐसा फील करता है जैसे उसे इंटरव्यूज ने घायल कर दिया है एनी anyway, इसके बाद में ये भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू के साथ में आप अपना एक हिस्सा जो है वो खो देते हो यार हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है एक ऐसी लाइफ होती है जिसकी जिसको आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करते मतलब एक ऐसा हिस्सा आपकी ज़िंदगी का होता है जो आप अपने साथ में अपने पास रखते हो आप पब्लिक के अंदर अलग बातें बताते हो आप अपने अपनों के साथ अलग बातें शेयर करते हो बट देन अ पार्ट ऑफ यू आपके ओपिनियंस आप क्या सोचते हो एक्चुअली वो आप अपने अंदर रखते हो बट बट जब आप बट जब आप बाहर लोगों के सामने कोई एक चीज शेयर करते हो तो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपने अपना एक हिस्सा लूज कर दिया है आप अपनी कुछ ओपिनियंस को अपने साथ लेकर चल रहे थे ना आपने वो अपना हिस्सा वहां पर लूज कर दिया है सो so, येस yes, ये ऐसा फील करवाता है जैसे कि आप एक पार्ट जो है वो लूज कर चुके हो इसके बाद में उन्होंने एक और इंसान uh, के बारे में बताया उनके ओपिनियन के बारे में बताया लुइस के जो कि क्रिएटर है एलिस इन द वंडरलैंड के उन्होंने बोला बोला अरे यार ये जो है ना ये इंटरव्यूज जो है हमें इंटरव्यू से डर नहीं लगता साहेब, हमें इंटरव्यूअर से डर लगता है इंटरव्यूअर का खौफ है इन्हें मतलब ऑब्वियसली आपको इंटरव्यूअर का डर लगेगा क्योंकि इंटरव्यूअर वहां पर आपको इंटरव्यू करने आया है उससे कुछ तो पता करना है वहां पे दैट्स द ओनली एम ह्योर है ना और आपसे अगर मान लीजिए पब्लिक में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप मना नहीं कर सकते आप क्या कहोगे क्या नहीं करोगे यू नो ऐसा एक यू नो इमोशन जो है लोगों के अंदर होता है बोला कि मुझे इंटरव्यूज़ से बहुत डर लगता है उन्हें तो इनफैक्ट पब्लिक अटेंशन से भी बहुत डर लगता है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें लाइनाइज किया जाए उनके ऊपर पूरा अटेंशन जो है वो यू नो you know, डाल दिया जाए वो तो अपनों से भी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं लोग आते हैं उनके यू नो ऑटोग्राफ लेने के लिए तो वो वो भी जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते उनका ये मानना है कि वो अपने आर्ट के थ्रू आप लोगों तक रीच आउट करते हैं और ऐसे ही अपने आर्ट के थ्रू शायद वो एक दिन आपको आपकी अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताएंगे बट वो यहां पर अपने आप को इंटरव्यूज के जरिए लूज नहीं करना चाहते उनके अंदर इस चीज को लेकर एक अजीब सा डर है ओके देन इसके बाद में वो बात करते हैं रूडिया किपलिंग की जो कि यहाँ पर आपको पता है उनका और भी ज्यादा यू नो कंड कंडेमनेटरी एटीट्यूड है इंटरव्यू uh, को लेकर वो और भी ज्यादा अगेंस्ट है बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है इंटरव्यूअर्स को लेकर उनकी वाइफ कैरोलाइन जो थी उन्होंने uh, वो अपनी डायरी के अंदर लिखती है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डायरी मेनटेन uh, करना अच्छा लगता है जिसमें वो अपनी लाइफ के अंदर जो हो रहा होता है उस इंस्टेंसेस को नोट डाउन करते हैं तो so कैरोलाइन 1892 के इंसिडेंट्स को नोट डाउन करती है जो कि बॉस्टन में उनके साथ हुआ था और वो बताती है कि किस तरीके से दो इंटरव्यूअर्स ने उनका दिन जो है वो एकदम बर्बाद कर दिया था दो इंटरव्यूअर्स उन्हें वहां मिल गए थे और वहाँ पर उनके हस्बैंड ने कैसे रिएक्ट किया उनके हस्बैंड ने हो सकता है कि उनको इंटरव्यू के लिए बोला गया होगा उनके हस्बैंड ने मना कर दिया होगा रुडियार ने बोल दिया होगा कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है तो यू नो जर्नलिस्ट से या इंटरव्यूअर से क्वेश्चन आया होगा कि आप अपना इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते तो ऐसे में उन्होंने रिप्लाई किया बोला वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहता बोला अरे क्योंकि मुझे लगता है ये इमोरल है इंटरव्यू लेना एक इमोरल एक इमोरल एक्टिविटी है ये क्राइम है इसे इसे उतना ही ऑफेंस मानो जितना बाकी सारी चीजों को कोई भी ऑफेंस माना जाता है इसके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए उनका तो ये तक कहना था कि ये करना इंटरव्यू लेना इंटरव्यू देना कावर्डली एक्ट है कोई भी रिस्पेक्टेबल मैन ना तो इंटरव्यू देगा और ना इंटरव्यू लेगा उन्होंने इंटरव्यू को एक असोल्ट बोला उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू एक असोल्ट है बोले तो यहाँ पर एक यू नो सोर्स ऑफ हैरसमेंट है किस तरीके से उन्हें हैरस किया जा रहा है और ये असोल्ट जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने इसे असोल्ट बोला और यही असोल्ट उन्होंने भी तो किया था मार्क ट्वेन पे क्योंकि हमें यह बताता है कि जब इंटरव्यू लेने की बारी आती है जब आप इंटरव्यूअर की पोजीशन में होते हो तो आप बड़े ही आसान से आसानी से यू नो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हो सामने वाले से यू you नो know, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हो पर द मिनट आपसे इंटरव्यू लिया जाता है आपको वो असोल्ट लगता है तो ये पोजिशन हमें बताती है कि एज एन इंटरव्यूअर आपके थॉट्स इंटरव्यू को लेकर काफी अलग होते हैं बजाय एज एन इंटरव्यू Yeah. इसके बाद में आ, हम लोग को पता चलता है एच जी वेल्स के बारे में तो वो भी अपना एक अलग ही यहाँ पर ओपिनियन जो है वो देते हैं वो बताते हैं कि यार ये जो है ना दिस इज द इंटरव्यूइंग ऑडियर वो बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं इंटरव्यू के रिगार्ड में बताऊँ तो इंटरव्यूज को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगा है मुझे अब ये एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज़ जो है उनका इतना इंटरव्यूज़ को लेकर उनका इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा नहीं बट उसके बावजूद भी उन्होंने चालीस साल के बाद में इंटरव्यू कर डाला जोसेफ स्टेलिन को यस yes, बिल्कुल आपने ये नाम सुना होगा क्लास नाइन्थ में एसएसटी की बुक में रशियन रेवोल्यूशन में रशियन रेवोल्यूशनरी है चालीस साल बाद ये ये कॉमेंट करने के उन्होंने खुद ने इंटरव्यू कर डाला जोसफ स्टेलिन को अगेन ये वही पोजीशन है कि जब आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं इट बिकम्स वेरी इजी बट अगर कोई सामने वाला आपसे क्वेश्चंस पूछता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके बाद में हम लोगों को यहां पर सोल के बारे में पता चला वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक बार इंटरव्यू के लिए हाँ करी दी थी मना नहीं कर पाए वो क्या करे वो मना नहीं कर पाते इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी दी अदर डे वेन आई वॉज टीचिंग ऐसा नहीं होता आप शादियों के अंदर जा रहे होते हो एंड देन यू नो वहाँ पर uh, वेटर्स होते हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं ना कुछ ऐसे वेलकम ड्रिंक्स ऑफर करते हैं या फिर मान लीजिए कि कोई uh, वेलकम uh, uh, रिफ्रेशमेंट्स ऑफर करते हैं इट्स so लाइक like, आपके आप बैठे हो एंड देन आप खड़े हो आपको इस तरीके से वो ऑफ़र कर दिया जाता है मना नहीं कर पाती दे दे यार अब और क्या बोला ठीक है ये पांचवी बार मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है जिसका आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हालत हो गई पर ठीक है अब छठवीं बार भी दे दे यार, दे यार जा क्या कर सकते हैं <laughs> तो एरे वे कहीं कही उन्होंने भी इंटरव्यूज के लिए इसी तरीके से कॉन्सेंट तो कर दिया अग्री तो कर लिया बट देन उसके बाद में उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरव्यूज को लेकर बताया कि इंटरव्यूज ऐसे हैं जैसे कि थम प्रिंस ऑन हिज विंड पाइप यार इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो है वो चाहता है कि वो रियल रहे मैं आपको बता दी दोगलापन जो होता है ना इस दोगलापन किसी इंसान को पसंद नहीं है क्योंकि इस दोगलेपन के अंदर मतलब आप कुछ और हो आप दिखा कुछ और रहे हो इसके अंदर आप अपने आप को बहुत लूज करते हो और ये आ, आप जब प्रिटेंड करते हो ये इतना आसान नहीं होता ये बहुत ही मुश्किल होता है तो हर एक इंसान चाहता है कि वो एकदम वैसा ही रहे जैसा कि वो एक्चुअली है बट पब्लिक कभी कभी आपको उसके लिए जज कर देती है आप बहुत ज़्यादा सिंपल होते हो तो आपको जज कर दिया जाता है आप बहुत एक्स्ट्रावगेंट होते हो तो आपको जज कर दिया जाता है आप अगर अपनी बात को एकदम अपफ्रंट रखते हो सामने रखते हो तो आपको जज कर दिया जाता है आप सच्चाई सामने लाते हो उसे पब्लिसिटी बोल दिया जाता है आप सच्चाई छुपाते हो आपको कावर्ड बोल दिया जाता है बहुत बहुत अलग अलग तरीके के जजमेंट्स आते हैं जिसके चलते बहुत सारे पब्लिक फिगर्स जो है वो अपनी पूरी स्टेटमेंट सामने नहीं रखते पर आपको पता है इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं आप उन्हें आंसर करना चाहते हो क्योंकि आपका भी एक ओपिनियन है बट देन ऐसा लगता है जैसे कोई आपका गला घोट रहा हो कि कोई आप अपने आप को रोक रहे हो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं भाई मत बोल भावनाओं में मत बह कल तेरे पे मीम बन जाएंगे इस पे तो एकदम ऐसा ऐसा होता है तो इट्स लाइक उन्हें लग रहा है कि इंटरव्यूज ऐसा लगते हैं जैसे कि गला घोट दिया जा रहा हो जैसे कि कोई एक इंसान उन्हें रोक रहा हो वो इंटरव्यू देना चाहते हैं पूरी बात कह नहीं सकते एंड ऑल्सो इतना लगता है जैसे यू you नो know, वो सफोकेटेड फील करते हैं जब वो इंटरव्यूज देते हैं इसके बावजूद भी आप देखिए कि अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का आप देखते हैं कि जब भी आप लाइफ uh, के बारे में किसी भी इंसान की जिंदगी के बारे में जानते हैं तो वो इंटरव्यू के थ्रू ही आता है इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि दो लोग कॉन्वर्जेसन करते हैं और अगर कोई बात यू uh, नो you know, आपको पता चलती है तो तभी पता चलती है जब दो लोग कॉन्वर्जेसन करते हैं तो कहीं रहा कहीं इसीलिए इंटरव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में डेनिस ने भी एक बात कही उन्होंने बोला कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब सवाल पूछता है जो जवाब आता है वही तो हम तक पहुंचता है तो आप जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज देख रहे हो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है उसी का रिजल्ट है पर वो ये बात भी कहते हैं कि ये इस इस चक्कर के अंदर इंटरव्यूअर की पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती इंटरव्यूअर की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट इतनी पावर वाली होती है और डेफिनेटली uh, उसका एक अलग इन्फ्लुएंस होता है एक इंटरव्यूअर आपको कैसे भी पोर्ट्रे कर सकता है एक इंटरव्यूअर आपको अच्छा दिखा सकता है एक इंटरव्यूअर आपको बुरा दिखा सकता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपका शायद करियर भी खत्म कर दे वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे लोग बहुत कुछ सीखे और आपको बड़ा बना दे इंटरव्यूज़ आर नॉट ऑलवेज अबाउट सेलिब्रिटीज़ जो आप मूवीज़ में देखते हो बेसिकली एक्टर्स या एक्ट्रेसेस बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसके पास में इंफॉर्मेशन होती है सामने वाले से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन हम तक कैसे पहुँचती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं तो ये इसके साथ में आप देखेंगे कि हमने पार्ट वन जो है वो कंप्लीट कर लिया हमें पता चल चुका है कि इंटरव्यूज़ uh, को लेकर लोगों के ओपिनियन क्या है अब देन इसके बाद में हमारे पास में पार्ट टू आ जाता है अब ये पार्ट टू बहुत ही मज़ेदार पार्ट है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर ई e को जो है वो अपनी जर्नी uh, जो है थोड़ी बहुत बताएंगे उन्होंने बोला है आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल्स ऑन संडेज तो एकदम ऐसा है वो कहते हैं देखो यार मैं प्रोफेसर हूँ बाई प्रोफेशन तो मैं एक प्रोफेसर हूँ पर मैं संडे को नॉवल दिखता हूँ ये डायलॉग अभी हमें आगे चल के इंटरव्यू में पता भी चलेगा आप जो अभी इंटरव्यू पढ़ने जा रहे हो ये एक एक्स्ट्रैक्ट यानि कि एक एक्सर्प्ट एक 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 है मिस्टर ईको और मुकुंद पद्म नाभिन के इंटरव्यू का जहाँ पर मुकुंद जो है द हिंदू से आए हैं अगर हम मिस्टर इको की बात करते हैं तो वो एक प्रोफेसर है इटली में और उन्होंने सेमियोटिक्स में द स्टडी ऑफ साइंस के अंदर अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं उनका स्कॉलरली वर्क वहां पर इस फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा उनका कंट्रीब्यूशन इतने सारे फील्ड्स में है कि इसीलिए उनका ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो उन्होंने एसेज आप देख लो लिटरेरी फिक्शन देखो अकेडमिक टेक्स्ट देखो एसेज देखो चिल्ड्रन्स बुक देखो न्यूज़पेपर आर्टिकल देखो हर एक चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी बट देन ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान का एक टाइम होता है इट्स लाइक like आप एग्जिस्ट करते थे आप लाइफ में आप वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे बट देन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो लोगों को दिखती है ये जो सुपर स्टार्डम था ये मिस्टर ईको को तब मिला जब उनकी किताब जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज उसने 10 मिलियन कॉपीज बेची तो तब जाके उन्हें ये सुपर स्टार्डम मिला देखते हैं आखिरकार ये सुपर स्टार्डम के पीछे वो अपना क्या सीक्रेट बताते हैं मुकुंद यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछता है मुकुंद बीइंग अ वेरी गुड इंटरव्यू यहाँ पर उनका पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है तो मुकुंद पर क्वेश्चन पूछता है कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और अकेडमिक डेविड जी जो है डेविड लॉज जो है उन्होंने बोला सर मतलब यू you नो know, सामने यहाँ अम्बर्टो इको बैठे हुए हैं यहाँ पर मुकुंद बैठा हुआ है बोला सर उन्होंने ये बोला आई कंट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज

हाँ आपको आप मुझे देखते हो तो ऐसा लगता होगा जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट ऐसा नहीं है मैं तो सेम चीज़ ही करे जा रहा हूँ मैं सेम ही चीज़ रिपीट करता हूँ मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूँ मुकुंद पीछा नहीं छोड़ेगा तो मुकुंद कहता है विच mm, इज़ बोला अच्छा आप सेम चीज कर रहे हो तो वो चीज़ क्या है अब इतने में वर्डो ई e. को इस चीज़ पे रिप्लाई देते हैं वो अच्छे से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यू नो क्या हो रहा है ना दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non violence and peace, you see. The same bunch of ethical philosophical interests. And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. वो एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं देखो यार मैं आपको समझाता हूँ वो कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ एक्जैक्टली exactly मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल होगा समझाना बट आई ट्राई वो कहते हैं है, देखो यार मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है और इन इंटरेस्ट को मैं अपने अकेडमिक वर्क के थ्रू अचीव करना चाहता हूँ आप देखेंगे कि जो मैं बच्चों के लिए किताबें भी लिखता हूँ उसके अंदर भी मैं नॉन वायलेंस पीस ऐसे इंटरेस्ट को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ तो जो मैं मेरे इंटरेस्ट है मैं उन्हें अपनी किताबों के थ्रू शो करता हूँ अब इसे ऐसे समझो वो कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस है तो अगर यूनिवर्स की एम्प्टी स्पेसिस को रिमूव कर दिया जाए हर एटम की एम्प्टी स्पेसिस को रिमूव कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक फिस्ट में आ जाएगा तो पूरा यूनिवर्स एक फिस्ट एक मुट्ठी में आ जाएगा इतना छोटा हो जाएगा है ना अब यहाँ पर इसके बाद में वो अपना पॉइंट रखते हैं सिमिलरली वी हैव अ लॉर्ड ऑफ एम टी स्पेसिस इन आर लाइफ्स और इसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे एम टी स्पेसिस होते हैं अगर आप इन एम टी स्पेसिस को समझना चाहते हो तो आप इसे समझ सकते हो टाइम से कि हमारे पास में भी सिमिलरली बहुत खाली वक्त होता है बहुत सारे एम टी स्पेसिस हमारे जीवन के अंदर होते हैं और वो बताते हैं कि हमें बस वही यूज़ करना होता है देखो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मतलब इन्होंने मुकुंद को समझाया बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको भी समझाऊं क्या होता है कि जब हम किसी एक इंसान की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनते होंगे नहीं आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स लिख रहे हो आप यू नो ट्वेल्थ देना चाहते हो एट द सेम टाइम आप देखते हो लोगों की सक्सेस स्टोरी जो कहते हैं वो बहुत ही जल्दी कमाने लग गए थे और ये सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग लगता है बट देन हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये सब इतना पॉसिबल कैसे है जैसे कोई एक इंसान एंट्रेंस भी क्लियर कर रहा है ट्वेल्थ भी क्लियर कर रहा है वो पढ़ाई भी यूरो कर रहा है साथ ही साथ में कमा भी रहा है हाउ इज़ दैट पॉसिबल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओके क्योंकि कहीं कही ना कहीं हम लोग किसी एक इंसान के मल्टी टास्क को देखकर ये सोचते हैं कि दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल बट इट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मिस्टर ईको वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने खाली वक्त को इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आप लोगों से कितना बेहतरीन कर पा रहे हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बोला मान लो तुम मेरे घर आने वाले हो हो तो को वो बोलते हैं कि मान लो तुम तुम मेरे घर आने वाले अब तुम जब फर्स्ट फ्लोर फ्लोर से थर्ड तक आओगे ग्राउंड फ्लोर फ्लोर से तुम थर्ड तक आओगे एलिवेटर में और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दैट इज एन एमटी स्पेस वो ये मेरा खाली समय है अब इसमें दो चीजें हो सकती है या तो वो खड़े खड़े उसका इंतजार कर सकते हैं या फिर बटे हुए को कहते हैं शायद मैं एक आर्टिकल लिख दू और फिर वो हंसते हैं वो कह रहे कि ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ये जो यहाँ पर ये जो इंटरव्यू की शुरुआत ही हुई है इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके से वो एक मल्टी टास्कर है और वो इतना सब कुछ कर पाते हैं तो ईको इस बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो इतना सब कुछ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो इन एमटी स्पेसिस को इस खाली समय को यूज़ करते हैं और क्योंकि इन खाली समय को वो यूज़ करते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हर एक चीज़ जो अचीव की है उन्होंने वो कर पाते हैं अब वो खुद यहाँ पर एकदम जैसा अभी आप सोच रहे हो वैसा ही बो सोच रहा है वो खुद कह रहा है अरे सर हर कोई थोड़ी कर सकता है हाँ आप क्या कहना चाहते हो हर कोई थोड़ी कर सकता है मुझे अगर एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में पंद्रह मिनट का समय मिलेगा मैं मैं सोऊंगा सो जाऊंगा मैं क्यों यहाँ पर अच्छा चलो ऐसा करता हूँ फिजिक्स की एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेता हूँ अरे क्यों भाई तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अः कम बैक है हमारे मुकुंद का मुकुंद कहता है अरे सर ये सबको ये तो सब कुछ हर कोई नहीं कर सकता अब इसके बाद में वो एक दूसरा क्वेश्चन जो है यहां पर उनसे पुट करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं देखो यार योर नॉन फिक्शनल राइटिंग योर स्कॉलरली वर्क हैज अ अर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट नाउ इट इज अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर अकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेबली डीपर्सनलाइज एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू तो लेट मी टेल यू आप देखते हैं कि हर एक एक्टिविटी को बहुत सारे लोग कर रहे हैं आप इस चैनल पे हैं जहां पर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बट ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं हम सब का एक ही मोटो है कि आपको इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाए जाए है ना बट कहीं ना कहीं हर एक इंसान का पढ़ाने का स्टाइल अलग है ऐसा ही शायद हर एक इंसान का लिखने का स्टाइल अलग है यहाँ पर मुकुंद जो है यही क्वेश्चन उनसे पूछते हैं मुकुंद कहते हैं कि देखो एक तरफ आते हैं यू uh, नो you know, ऐसे बोरिंग रिफ्रेशर्स है ना बोरिंग रिफ्रेशर्स जैसे आप uh, कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे होते हो आप उसके साथ में एक रिफ्रेशर ले रहे होते हो ताकि आपको इजीली एनसीईआरटी समझ में आए वहाँ पर लिखा होता है कि लेट इट बी एक्स योर लाइक लेटिंग लाइक अच्छा आप कह रहे हो लेट इट तो ठीक है मान लेते हैं तो वो एकदम से हैंड्स प्रूफ प्रूफ इट्स so लाइक like, आपको एक बहुत ही बोरिंग यू नो you know, आप एक बहुत ही बोरिंग तरीके से प्रेजेंट करते हो तो रिफ्रेशर्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती नहीं एक अगर आप अकेडमिक स्कॉलरली वर्क देखो तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता जबकि अगर हम यही वर्क जो है वो इम्बोटि इको का देखें तो बहुत ही प्लेफुल है मतलब तो वो बहुत ही ऐसे हंसते खेलते चीजों को समझाते हैं उसके अंदर एक पर्सनल टच है एक पर्सनल टच है जो कि आपको बाकी सारे बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा बाकी सारे बुक्स ऐसे लगते हैं कि सब लोगों ने बस वही जो है न्यूटन एप्पल वाला जो पूरा काम है बस वही रटा हुआ है एंड देन उसके बाद में यू नो दे आर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर उसमें कोई पर्सनल टच नहीं है इट्स ऑफन ड्राई एंड बोरिंग जबकि अगर बर्टो ईको किताब लिखते हैं तो उसके अंदर एक पर्सनल टच होता है एक प्लेफुलनेस होती है सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आप ये जान के करते हो क्या आप ये कॉन्शियसली करते हो कि चलो अब ऐसा लिखता हूँ या फिर ये नेचुरली है मतलब इट्स लाइक like आप इसके साथ पे पैदा हुए हो इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट्स दैट दैट कम्स नेचुरली टू यू तो बेसिकली ये उनका सवाल है कि भाई आपका जो स्टाइल है वो नेचुरल है या फिर कॉन्शियस है मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो और ऑल राइट सो अभी यहाँ पर इको जो है वो यहाँ पर रिप्लाई करता है वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कहता है देखो मैं बताता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मेरे थीसिस के बारे में ठीक है वो कहते हैं कि मैं अपने थीसिस अपने प्रोजेक्ट को किसके पास लेके गया मेरे प्रोफेसर के पास लेके मेरे प्रोफेसर ने वहाँ पर एक बात बताई अब यार आप देखते हो जो भी यू नो पीएचडी कर रहे होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के अंदर पीएचडी एच परस्यू करते हैं उन्हें वो सब्जेक्ट मैटर इतने अच्छे से आता है कि वो पी को फॉर द सेक ऑफ परस्यू क्या करते हैं फॉल्स हाइपो क्रिएट करते हैं फॉल्स सिचुएशंस जो है वो क्रिएट करते हैं ये जो फॉल्स सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं ये सिचुएशन ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इन प्रॉब्लम्स को फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर एक कॉन्क्लूजन लिख देते दिस इज मी हाँ आई क्रिएट प्रॉब्लम्स इन माई माइंड ऑल द टाइम हाँ ये तो मैं हूं मैं अपने दिमाग के अंदर प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करती हूँ और फिर उन्हें सॉल्व करती हूँ एंड देन देूजन पे आता है तू फोड़ेगा एनीवे वे तो इट्स लाइक इट्स लाइक दैट तो प्रोफेसर ने बोला कि जितने बाकी सारे लर्नर्स हैं वो इस तरीके के प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं वो कुछ भी तो हाइपोथीसिस uh, कुछ भी तो इमेजिनेशन ले लेते हैं एंड देन उसके बाद में उस प्रॉब्लम uh, को सॉल्व करते हैं एक कंक्लूजन सबमिट करते हैं हाउ एवर जो इको का प्रोजेक्ट था उसके अंदर कुछ डिफरेंट था उन्होंने बोला तुमने यहाँ पर अपने रिसर्च का पूरा स्टोरी बताया तुमने यहाँ पर कोई फॉल्स अजम्पन लेकर और एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ नहीं किया तुमने अपने रिसर्च का पूरा स्टोरी बताया इवन द ट्रायल्स एंड एरर्स जो भी तुमने किया जिसमें तुम नाकाम रहे तुम सक्सेसफुल रहे तुमने अपनी पूरी रिसर्च जो है यहाँ पर बताई है ना पसंद करते हैं इको के काम को कि कितना पर्सनली उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट अपना थीसिस प्रिपेयर किया कि उन्होंने इस थीसिस को एक बुक के फॉर्म में छाप दिया एम्बर्टो तो इको की पहली बुक 22 साल की उम्र में आई जब वो 22 साल के थे तो उन्होंने 22 साल की उम्र के अंदर ये बुक उनकी आ चुकी थी एनी anyway, अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमें समझ में आता है कि वो स्टोरीज बताते हैं यू नो ही लाइक्स टेलिंग स्टोरीज क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च के केस में भी यही किया था बोला हमेशा ऐसा ही होता है मैं यही आस्पेक्ट रखता हूँ जब मैं ऐसेज लिखता हूँ तो उसका भी एक नेगेटिव आस्पेक्ट होता है ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी वजह से मैंने नावल्स लिखना थोड़ा सा लेट शुरू किया <laughs> मैंने अपने 50 साल के लगभग जो है नॉवेल्स लिखना शुरू किया अब ये जो नॉवेल्स मैं लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नरेशनस करना बहुत पसंद है हाउ मेरा एक दोस्त है रोलैंड जो कि एक आ, अच्छा एसेज था और वो हमेशा इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड फील करता था कि यार मैं क्यों नहीं नावल लिख सकता मैं क्यों नहीं नावल लिख सकता और वो इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ मर गया है उसने नावल लिखी नहीं है एक्चुअली uh, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं यहाँ पर ई यही बताना चाहते हैं कि ये जो एफर्ट है यू uh, नो ये जो आपको दिखता है कि वो कितना पर्सनलाइज दिखते हैं किस तरीके से प्लेफुली कोई चीज़ को बताते हैं ये उनके अंदर है उनके सिस्टम के अंदर है वो ट्राई नहीं करते हैं जब आप किसी चीज़ को जो आपकी नहीं है जो आपका स्टाइल नहीं है जो नेचुरली आप नहीं हो उसे ट्राई करते हो तो फ्रस्ट्रेशन आता है रोलैंड एक बहुत ही अच्छे ऐसे थे वो नॉवल राइटिंग के अंदर या उसके लिए नहीं बने थे इको है वह बहुत अच्छे नरेशंस करते थे तो शायद इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका नावल का जो करियर है वो भी बहुत अच्छा है एज अ नॉवलिस्ट बहुत अच्छा चल गया बोला देखो और मैं अगर बात करूं अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैंने तो नावल्स एक्सीडेंट में लिख दी थी नहीं ये कैसे एक्सीडेंट है ये वाले एक्सीडेंट मेरे को भी चाहिए क्योंकि तो मेरे साथ जो एक्सीडेंट हो तो रहे हैं उसमें मुंह जल रहे हैं ये क्या हो रहा है तो बोला कि ठीक है ये मैंने नावल्स जो है वो बाई एक्सीडेंट लिख दिया था और एक दिन की बात है मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने नावल लिख दी थी अब जब मैंने नॉवल लिखी तो मुझे पता चला कि मेरा जो ये अंदर से नरेशन का कीड़ा है वो उससे सैटिस्फाई होता है दैट्स एंड आई एंजॉयड इट और दैट्स हाउ उनकी नॉवल पिक्चर में आई हाँ अब मुकुंद के पास में मुकुंद इज ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू एंड गैदरिंग जितना भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रहा है तो मुकुंद बोलता है टॉकिंग ऑफ नॉवल्स अगर मैं नॉवल्स की बात करता हूँ तो मुकुंद कहता है कि आप एक फेमस अकेडमिक हो एंड देन उसके बाद में आप बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट भी बन गए जैसे ही द नेम ऑफ द रोज एक बुक जो है आपने लिखी है वो पिक्चर में आती है तो आप बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट भी बन जाते हो ठीक है और जहां तक वो कहता है जहां तक मुझे पता है आपने पांच नॉवेल्स लिखी है और बीस स्कॉलि वर्ग्स लिख दिए वो आगे अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाता और इतने में बर्टो इको उन्हें बीच में काटते हैं और बोलते हैं ओवर फोर्टी ओवर फोर्टी मुकुंद कहता है कि वो मुकुंद को लग रहा था कि उन्होंने बीस लिखी है और मिस्टर इको कहते नहीं नहीं बीस नहीं चालीस अब मुकुंद कंटिन्यू करता है मुकुंद कहता है ठीक है आपने चालीस जो है स्कॉलरली वर्क्स जो है वो लिख दिए हैं फिर भी अगर किसी इंसान से पूछ लिया जाए कि यू नो आप बर्टो ईको को जानते हो तो उनका जवाब यही आएगा कि हाँ वो वो नॉवलिस्ट तो क्या ये आपको परेशान करता है मुकुंद ये बोलना चाहता है कि आपने पांच नॉवल लिखी है कुल मिला के बट फिर भी एज अ नॉवेलिस्ट आप ज्यादा पॉपुलर हो बजाय जो 40 स्कॉलरली वर्क्स आपने सेमियोटिक्स के अंदर लिखे हैं उसके तो आप एक अकेडमिक राइटर की बजाय एक बजायस्ट के जैसे ज़्यादा पॉपुलर हो तो क्या ये आपको बॉदर करता है अब जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो देखो ईको रिप्लाई करता है बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बोला क्योंकि मैं एक प्रोफेसर ही हूँ जो संडे को नावल्स लिखता है मेरी आइडेंटिटी एक प्रोफेसर वाली ही है मैं यहाँ पर अकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ मैं पेन क्लब्स या राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाता हूँ मैं अपने आप को अकेडमिक कम्युनिटी से रिलेट करता हूँ मैं अपने आप को यू नो ये जो राइटर्स की कम्युनिटी है उससे रिलेट नहीं करता हूँ पर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो नावल्स पढ़ना पसंद करेंगे उनकी स्कॉलरली वर्क से तो इसीलिए उनकी नावल्स ज़्यादा लोगों तक पहुंची हुई है ज़्यादा लोग उन्हें जानते हैं अब यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि इतने सारे लोग जो है वो एक साथ में यू नो मेरी किताब स्कॉलरली वाली किताब पढ़ ले एक मिलियन लोग बट नावल्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचती अब इतने में मुकुंद का एक और क्वेश्चन आता है और मुकुंद कहता है क्या तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी यहाँ पर द नेम ऑफ द रोज की अगर हम बात करते हैं तो वो तो काफ़ी सीरियस नावल है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नॉवल है जिसके अंदर आपको डिटेक्टिव पूरा स्टाइल देखने को मिल रहा है ठीक है मेटाफिजिक्स है थियोलॉजी है मेडिवल हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री मतलब आप ये भी नहीं देखोगे कि ये क्या यू नो मिडिल पीरियड की हिस्ट्री की बात हो रही है लाइक हिस्ट्री नहीं, नहीं नहीं पढ़नी है बहुत सारे लोग ज्ञान को ट्रूथ की खोज को गॉड को इन सब पे बिलीव नहीं रखेंगे तो इतना ज्यादा ऑडियंस ऐसी किताबों का नहीं होगा पर फिर भी द नेम ऑफ द रोज को इतना ज्यादा यू नो इतना ज़्यादा ज़्यादा इतनी वो पॉपुलर हो गई है वो नॉवल इतनी ज़्यादा पॉपुलर है तो क्या आप पजल्ड हो क्या आप इस चीज को देख एकदम हक्के बक्के रह गए हो आई लव हिज आंसर इन ही सेज नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड बोला नहीं मतलब मेरा पता नहीं है कि मैं पजल्ड हूँ या नहीं हूँ पर तू तो आ गए तुम तो हो तुम जरूर पजल्ड हो इस चीज़ को लेकर के ये किताब कैसे चल गई, बस तो चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ जर्नलिस्ट भी नहीं पब्लिशर्स भी जो हैं वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा यू नो you know, हक्के बक्के रह गए हैं ऐसा इसके लिए क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिसर्स जो भी हैं पब्लिशर्स जो हैं उनका ये मानना है कि पब्लिक जो है उसे ट्रैश पढ़ना पसंद है एक लव स्टोरी जिसके अंदर हीरो का कोई एक बैकग्राउंड है देन यू नो कुछ पास्ट uh, है एंड देन हीरोइन का यू um, नो you know, एक पास्ट है एंड देन उसके बाद में उन दोनों के वेज काफ़ी डिफरेंट है एंड बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ के अंदर आते हैं एंड देन सम हाउ उन चैलेंजेस को बीट करके वो मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं ठीक है ये बहुत सारे लोगों का नॉवेल्स में टेस्ट होता है बहुत सारे लोगों को ऐसी नॉवेल्स पसंद आती है और इसीलिए जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी वाली नॉवेल्स ही चलेंगी तो अब यहाँ पर पहली बात तो ये हो गया दूसरा इतने सारे लोगों ने मेरी बुक को पसंद किया उसके लिए भी उनके पास आंसर है वो कह रहे हैं देखो यार सिक्स बिलियन की पॉपुलेशन है अब जब ये इंटरव्यू हुआ था तब सिक्स बिलियन की पॉपुलेशन थी देख लो पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी है एनीवे वे तो बोला छः बिलियन की पॉपुलेशन है और उसमें से दस से पंद्रह मिलियन लोगों ने मेरी किताब जो है वो खरीदी है जो कि इतना बड़ा यू नो you know, वो नहीं है इतना बड़ा अमाउंट नहीं है इतना बड़े लोग नहीं है यहाँ पर दस से पंद्रह मिलियन लोग हैं छः बिलियन लोगों में से तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये लोग जो है ये डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद करते हैं ये जो क्राउड है ये डिफ़िकल्ट रीडिंग जो है वो पसंद करता है ये मेरा क्राउड है और ऐसा होता भी है हो सकता है उन्हें डिफिकल्ट रीडिंग पसंद हो या हो सकता है वो ब्रेक ले रहे हो उन्हें यूजुअली लव स्टोरीज पसंद है जो वो रीड करते रहते हैं बट एट द सेम टाइम वो सोच रहे हैं कि ठीक है लेट्स टेक अ ब्रेक एंड रीड समथिंग डिफरेंट ऐसा हमारे साथ भी होता है हम लोग एकदम पूरे दिन काम करते हैं काम करके थक जाते हैं टीवी ऑन करते हैं टीवी ऑन करके टीवी देख लेते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है पूरे दिन टीवी देखा जा सकता है या पूरे दिन काम किया जा सकता है तो कभी कभी लोग चेंज ऑफ कोर्स करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होता है मुकुंद का ये क्वेश्चन है कि ये जो नॉवल है ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है इसके सक्सेस के पीछे क्या मेडिवल हिस्ट्री से ये बिलोंग करती है ये रीजन हो सकता है आपने इस नावल के अंदर मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस किया है क्या कि ये रीज़न हो सकता है बटोई को इसका भी बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं कहते तो हैं एक और स्टोरी मैं बताता हूँ आपको क्योंकि मेरे को स्टोरियाँ बताना बहुत पसंद है एकदम चाइनीज़ वाइज मैन के जैसे एकदम आराम से दादाजी के जैसे मेरे को कहानियाँ कहना बहुत मज़ेदार लगता है एनी anyway, तो बताते देखो यार मेरा मेरी अमेरिकन पब्लिशर जो थी उन्होंने बोला यार अमेरिका के अंदर तुम्हारी ये नॉवल नहीं चलेगी यार क्योंकि यहाँ से वो ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बाइसेज हैं हर एक कंट्री के अपने अलग ही प्रेजिडिस हो तो उनका ये मानना था कि अमेरिका के अंदर ये जो नॉवल है ये नॉवल नहीं चलेगी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन हजार कॉपीज बिकेगी पूरे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा तीन हजार कॉपीज बिकेगी ये लो तीन हजार कॉपीज का एडवांस और चलो हो गया काम अब ऐसे में यहां पर उस कंट्री के अंदर यूएसए के अंदर ये तीन हजार कॉपीज बिकने वाली थी और यूएसए के अंदर दो से तीन मिलियन कॉपीज जो हैं वो बेचती इसका मतलब ये है कि पब्लिशर ने जो अंदाजा लगाया था वो पुराने मेडिवल हिस्ट्री पे लिखी गई किताबों को दिमाग में रखकर लगाया था दैट मीन्स उनसे पहले भी ऐसी बहुत सारी किताबें आई हैं और हर किताब सक्सेसफुल नहीं हुई है द नेम ऑफ द रोज क्यों चल गई एक मिस्ट्री है ये एक मिस्ट्री और उनका तो ये भी मानना है कि अगर ये आ, दस साल पहले या दस साल बाद में आती तो शायद इसकी सक्सेस अलग होती शायद इस टाइम पर ये क्यों चल गई है वो एक मिस्ट्री रह जाएगा तो ही डजन नो कि आखिरकार ये बुक इतना ज़्यादा कैसे चल गई बट देन इसके साथ में मेरा चैप्टर इंटरव्यू जो है वो हो गया है कम्प्लीट अब इस चैप्टर से हमने देखा कि इंटरव्यू क्या होता है लोगों के क्या ओपिनियन है एंड एट द सेम टाइम हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सर्प्ट सुना यू नो एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यू ही के बीच में जहां हमने देखा कि इंटरव्यूअर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन मोल्ड कर करके कर करके क्वेश्चन पूछता है एंड एट द सेम टाइम इंटरव्यू ही जो है वो कभी कभी इस तरीके से आंसर देते हैं कि वो ट्रूथ को एकदम आपके सामने नहीं रख रहे यू नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपके लिए अब ये चैप्टर आसान हो गया होगा अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बिल्कुल हाई कर दीजिएगा आई विल आई लव चेकिंग द कमेंट सेक्शन तो आप वहाँ पर मुझे लोग कह सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए कि इस बार मेरी आर्मी में कौन कौन है बिकॉज uh, मेरे साथ ऐसा होता है कि इट्स uh, लाइक आप इतने सारे बच्चे जो है वो YouTube पे जब मुझे देखते हैं तो अब इट्स uh, लाइक like जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ या ऑनलाइन बैचेस लेती हूँ तो उसके अंदर बच्चों के नाम मुझे याद रहते हैं बच्चों की शक्लें मुझे याद रहती है YouTube एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है मेरे पूरे जर्नी का बट देन जब आप कॉमेंट्स करते हो तो भी मुझे आपके नाम याद रह जाते हैं तो टच वुड इट्स इट्स अ थिंग जो मेरे दिमाग में है इट्स लाइक like मैं अगर किसी बच्चे को मेरे क्लास में देख लेती हूँ uh, उसका नाम सुन लेती हूँ तो उसके बाद मैं भूलती नहीं हूँ तो ऐसा ना इट्स लाइक like, अगर आप यहाँ पर नीचे कॉमेंट करते रहते हो आप उससे जुड़े रहते हो तो कभी कहीं अगर हम मिलेंगे तो लाइक अरे मैम मैं वो तो एकदम से मुझे अच्छा हाँ आप तो यूट्यूब फैमिली से हो तो एनी वे आई थिंक आई आई एम ऑल्सो लाइक अ चाइनीज वाइज ओल्ड वूमन एनी वे सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू डोंट फर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब